तो कल हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे थे वहां से अब थोड़ी आगे बात करते हैं। तो कल हम लोग स्वयं पे काम करना शुरू किए, स्वयं पे ध्यान देना शुरू किए और अपने अंदर कल्पनाशीलता को देखना शुरू किए। उसी क्रम में कुछ मुद्दों पे बात हुई थी कि मैं और शरीर का अस्तित्व किस रूप में बना हुआ है, मन क्या है, ब्रेन क्या है, आदि आदि। इन मुद्दों पर उन्होंने बात किया था और हम लोग को कल ये सब चीजें अपने आप में ऑब्जर्व भी करनी थी। तो एक जो होमवर्क था वो ये था कि हम ये देखें कि कल्पनाशीलता कहाँ हो रही है, मैं में हो रही है या शरीर में हो रहा है। तो अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान जाता है। और कल्पनाशीलता का अर्थ है कि मेरे अंदर जो इच्छा, विचार, आशा, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, इनको देखना। तो मेरी इच्छा में क्या हो रहा है, विचार में क्या हो रहा है, आशा में क्या हो रहा है। तो हमारे जो भी कल्पनाशीलता होती है उसका एक कंटेंट होता है, उसकी एक वस्तु होती है, ठीक है ना। ये वस्तु कई बार बदलती रहती है, कई बार एक प्रकार से एक निश्चित समय तक बनी रहती है। और जो हमारी कल्पनाशीलता की वस्तु होती है वही हमारे व्यवहार को तय करता है, वही हमारे कार्य को तय करता है। जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं कल्पनाशीलता के आधार पर कोई संकेत शरीर को जाता है और फिर शरीर से मैं संवेदना भी लेता रहता हूँ, उसको पढ़ता रहता हूँ। इस प्रकार से व्यवहार कार्य चलता रहता है। व्यवहार कार्य करते हुए हमें कई बार ऐसा लगता है कि उभय सुख नहीं हुआ है या उभय समृद्धि नहीं हुई, यानी कि अपने व्यवहार से मैं सुखी हुआ या अपने व्यवहार से अगला व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, कार्य को पूरा करके मैं समृद्धि नहीं महसूस किया या शेष स्थिति को हमने बेहतर नहीं बनाया। तो फिर हम अपनी कल्पनाशीलता में लौट कर देखते हैं तो व्यवहार और कार्य को करते हुए हमारे अंदर कल्पनाशीलता चल रही होती है। तो अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना है। अभ्यास एक में हम इस काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कल्पनाशीलता पर जब सजग होने जाएंगे दिखेगा कि विचार के प्रति तो हम सजग हो पाते हैं थोड़ा प्रयास करके, परंतु तो भाव दृष्ट होने का प्रयास करता है। जो तो भाव है वो इच्छा के स्तर पर है, ठीक है ना। विचार के स्तर पर हम तुलन विश्लेषण आदि कर रहे होते हैं और आशा के स्तर पर हम आस्वादन कर रहे होते हैं भावों का, संवेदना का, और उसके आधार पर चयन कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ मुझ में चल रहा है जी, ये शरीर में नहीं चल रहा, ये देखने की बात है।
ऐसा लग सकता है कि जब ऐसी गाड़ी से उतरते हैं तो ज्यादा सम्मान मिलता है, अपनी जो गाड़ी है वैसी गाड़ी से उतरते हैं तो कम सम्मान मिलता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि उस गाड़ी के साथ हमने सम्मान को जोड़ लिया, तो एक मान्यता बन गई, फिर हमारे अंदर एक इच्छा बन जाती है कि ऐसी गाड़ी हमको लेनी है, कभी पार्टी में जाना है, किसी बड़े जलसे में जाना है तो ऐसी गाड़ी से उतरेंगे तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, है ना। ये छोटी और पुरानी गाड़ी से उतरेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये हमारे अंदर एक मान्यता बन गई, वो भी हमारी कल्पनाशीलता की वस्तु को तय कर देता है कि इस वस्तु से सम्मान मिलता है, उस वस्तु से सम्मान नहीं मिलता कि नहीं, ये एक मान्यता बन गई। वैसे ही हमें नाक में कोई गंध मिला और जिस व्यक्ति से मिले, है ना, उसके बारे में हमारी एक मान्यता है कि काफी साधन संपन्न व्यक्ति है, तो हमारे अंदर एक मान्यता बन सकती है कि जब साधन संपन्न हो जाते हैं तो ऐसे परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटस है, ये लाइफस्टाइल है, हम क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक। असली
कल्पनाशीलता चल रही है उसमें मेजर सोर्स क्या है, कितनी कल्पनाशीलता हमारी मान्यता से आती है, कितनी संवेदना से, कितनी सहस्वीकृति से। इसमें अगर आप कर पाए तो जैसा हम लोग वर्कशॉप में करते रहे, अपनी इच्छाओं की सूची बना लें और फिर इसको थोड़ा सा फैला के देखें कि जो इच्छा है वो मान्यता से आई या संवेदना से आई या सहस्वीकृति से आई। उसके हम लोगों ने कई सारे उदाहरण लिए, जैसे गाड़ी का उदाहरण लिया, परफ्यूम का उदाहरण लिया, सोफा का उदाहरण लिया, है ना। तो ऐसे हर एक मुद्दे पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमने चयन किया था, इसके लिए जो डिजायर बना था, सिलेक्शन किया था, उसका सोर्स क्या था, है ना, और आगे भी जो करने वाले हैं उसका सोर्स क्या है। इस काम को अगर हम बहुत ही रैशनली करें, अपने आप में अवेयर होकर करें, तो बहुत सारा उपकार होगा, बहुत सारा जो सुविधा का अपव्यय है वो रुक जाएगा और सुविधा का सदुपयोग कर पाएंगे। वो सुविधा जो संवेदना की पूर्ति में जा रही थी, है ना, वो समाज की व्यवस्था के अर्थ में लग सकती है, आपके परिवार की व्यवस्था के अर्थ में लग सकती है कि नहीं।